हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वीनू और आप देख रहे हैं वीनूज वे। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे यूटेंसिल्स जो मैंने लिए थे अमेज़ॉन से रिसेंटली। और ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे यूटेंसिल्स हैं जो या तो बोन चाइना या सेरेमिक या फिर टफन ग्लास से बने हुए हैं, नॉर्मल स्टील वाले या मेलामाइन और प्लास्टिक वाले बर्तन नहीं हैं। और बेसिकली मैं प्रेफर नहीं करती हूँ प्लास्टिक या मेलामाइन के बर्तनों में खाना खाना, बिकॉज दैट इज़ अ लिटिल नॉट गुड फॉर हेल्थ। एंड आप स्पेशली उसको माइक्रोवेव वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, आते हैं प्लास्टिक जो माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा फोबिया है, मैं नहीं करती हूँ प्लास्टिक वाले बर्तन जो है यूज़, या तो ग्लास वाले या सेरेमिक एंड बोन चाइना जो डिश वॉशर, फ्रीज़र, माइक्रोवेव सेफ होते हैं वो वाले। तो आज की वीडियो में आपको वही देखने को मिलेगा। और आज की वीडियो में जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है वो मैंने सबसे लास्ट में रखा है, बेस्ट फॉर द लास्ट। तो ज़रूर देखिएगा और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला प्रोडक्ट है ये बोरोसिल के वेज बाउल। 185 ml ईच के ये बाउल है। 496 रुपीज़ में 6 पीसेज आपको मिल रहे हैं। एंड ये प्लेन वाइट है, इसके ऊपर कोई भी आपको छपा हुआ प्रिंट वगैरह नहीं मिलेगा। प्लेन वाइट होने के काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ़ायदे भी होते हैं, बिकॉज आप किसी भी डिनर सेट के साथ इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, जो ज़्यादातर इसी मटीरियल का होता है, विच इज़ द ओपल मटीरियल। सो ये जो मटीरियल होता है ये बेसिकली डिश वॉशर सेफ, माइक्रोवेव सेफ एंड फ्रीज़र सेफ होता है, तो आप इसको आराम से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ मेड अप ऑफ एक्स्ट्रा टफन्ड एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट मटीरियल, 100% वेजिटेरियन मटीरियल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका लुक कैसा है, प्लेन वाइट है, कोई प्रिंट नहीं है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। एंड इसके पीछे सिर्फ एक डीवा लिखा हुआ है, विच इज़ द बोरोसिल का जो ब्रांड है। लुक वाइज, मटेरियल वाइज बहुत ही अच्छा पीस है। 500 रुपीज़ में अगर आप वैसे भी कुछ गिफ्ट करने के लिए ऑप्शन ढूंढने जाएं तो ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, बट दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। और अगर आप घर में भी यूज़ करना चाहें डेली यूज़ के लिए तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सो या, दिस इज़ द 3-6 पीस सेट। ऑल्सो स्टोरेज के लिए भी बहुत ही अच्छा एक बात ये है इसमें कि ये स्टैकेबल हैं, तो आराम से स्टोर भी हो जाती हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये भी टू पीस बाउल सेट है लारा बाय बोरोसिल की तरफ से। बेसिकली ये स्नैक बाउल है, बट ये मल्टीपर्पज़ बाउल है, आप इसको आराम से और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। 225 में 2 पीसेज आते हैं, मेड फ्रॉम द सेम मटीरियल जो कि ओपल मटीरियल है। सो बेसिकली वही डिश वॉश, माइक्रोवेव एंड फ्रीज़र सेफ है। 100% बोन ऐश फ्री है, चिप रेजिस्टेंट है। एंड ये दो बाउल्स हैं, इसके ऊपर जो है इस तरीके का प्रिंट दिया हुआ है, नीचे से तो प्लेन ही है। एंड इसमें प्रिंट्स भी आपको 2-3 आई थिंक मिल जाएंगे। तो मैंने जब इसको लिया था, बेसिकली मैंने लिया था मैगी सूप्स वगैरह के लिए, और मैं तो इसमें कभी कभी दाल चावल वगैरह भी खा लेती हूँ। एंड सर्व करने के लिए भी अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये 4 का सेट लिया था, बेसिकली 2 सेट लिए थे 2-2 के। तो या, ये कुछ इस तरीके से हैं, आप इसको बहुत तरीक़ों में अपने अपने यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि दोनों के साइज़ में कितना डिफरेंस है। काफ़ी बड़ा बाउल है, वो जो पहले वाला बाउल था उससे काफ़ी बड़ा बाउल है, तो आराम से आप मील एक खा सकते हैं अगर दाल चावल वगैरह कुछ खाना चाहें तो। या, एंड सर्व करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंड अगेन, ये जो है स्टैकेबल हैं, तो स्टोरेज में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई थिंक दिस इज़ अ नाइस प्रोडक्ट। सो मूविंग ऑन, जो थर्ड प्रोडक्ट है, सेट ऑफ 3 बोन चाइना प्रिंटेड बाउल्स हैं फ्रॉम होम सेंटर। और इसकी जो आप डिज़ाइन देखेंगे, प्रिंट्स देखेंगे, बहुत ही क्वर्की, बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइंस हैं। एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे नमकीन वगैरह, जो जब कोई गेस्ट वगैरह आता है तो उसको सर्व करने के लिए। एंड सेट ऑफ 3 में आएगा ये। एंड ये जो बोन चाइना मटीरियल से बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये होम सेंटर की तरफ से है। एंड ये भी जो है माइक्रोवेव एंड फ्रीज़र डिश वॉशर सेफ ही है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं तीनों में। तो आप देख सकते हैं इसका प्रिंट कितना क्वर्की और कितना मॉडर्न है। सो आई यूज़ इट बेसिकली फॉर छोटा मोटा स्नैक वगैरह खाने के लिए घर पर। एंड जब अगर कोई आता है गेस्ट वगैरह के लिए, तो नमकीन बिस्किट वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं।
ऑल्सो दिस इज मेड इन इंडिया, आप इसको ओवन में यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी माइक्रोवेव, डिश वॉशर, फ्रीजर में आराम से यूज हो जाएगा ये। सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट एंड गिफ्टिंग के लिए भी ऑप्शन बहुत अच्छा है ये। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया था ये एक सेरेमिक एयर टाइट माइक्रोवेव सेफ बाउल्स हैं, सेट ऑफ थ्री में ये आएंगे, 889 के तीन बाउल्स आपको मिल रहे हैं डिफरेंट साइजेस के, एक लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल विद द लिड। जो मैंने डिज़ाइन लिया था वो अवेलेबल नहीं था, बट दिस इज़ ऑफ द सेम कंपनी जो मैंने लिया था। दिस इज़ ऑल्सो रियली नाइस, आप इसमें सर्व कर सकते हैं, ऑल्सो स्टोरेज वगैरह के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड 100% फूड ग्रेन मटेरियल से बना है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है, एयर टाइट है एंड इसकी फिनिश आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दी हुई है। ये प्रिंटेड वाले हैं जो मैंने अभी अवेलेबल आपको दिखाए, वो प्लेन है बेसिकली। सो या ये तीन इसके साइजेस हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। सो आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स, बट मेरा सबसे फेवरेट लास्ट में है, तो ज़रूर देख के जाइएगा। सो या आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी स्मूथ है, पूरा प्रिंट कितने अच्छे से किया हुआ है, माइक्रोवेव में भी यूज़ हो जाएगा खाना वगैरह गर्म करने के लिए। सो बेस्ट पार्ट वो है एंड द लिड्स आर विद द लॉक सिस्टम, तो आप इसको क्लिक करके बंद करेंगे एंड एयर टाइट है और आपका जो खाना है वो आराम से काफ़ी देर तक चलेगा, ठीक रहेगा। इसकी जो लिड्स आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक की बनी हुई हैं, दिस के नॉट बी यूज इन द माइक्रोवेव, बिना लिड के आप माइक्रोवेव में यूज़ कीजिएगा इसको, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। बाकी इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। तो अब बारी आती है कॉफ़ी मग्स की, टी मग्स की, जो भी आप कह लें। ये प्लेन वाइट मग्स हैं, सेट ऑफ टू में ये आएगा, आप चाहें तो वन भी ले सकते हैं क्वांटिटी, बट टू तो होने ही चाहिए आई थिंक एक घर में, मतलब अगर आप साथ में ले रहे हैं तो सेट ऑफ टू तो होना ही चाहिए। तो ये बहुत ही क्लासिक सा एक मग है, सिंपल प्लेन वाइट मग, विच आई रियली लव। मुझे ज़्यादा जो है पसंद नहीं है प्रिंटेड वगैरह मग्स, एंड दिस इज़ मेड फॉर फ्रॉम सिरेमिक मटीरियल, सो आप यू कैन यूज़ इट इन द माइक्रोवेव एंड डिश वॉशर। सो इसकी कैपेसिटी जो है 350 ml की है, मतलब एक कप की कैपेसिटी 350 ml है, विच इज़ गुड इनाफ अगर आप कॉफ़ी वगैरह, टी वगैरह सर्व कर रहे हैं, या अगर आपको भी पूरा मग भर के मेरी तरह चाय पीने का शौक़ है तो दिस इज़ गुड फॉर यू। एंड इट लुक्स क्लासी, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, बर्थडे, एनिवर्सरीज़, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पापा मम्मी, किसी को भी। सो या एंड सेट ऑफ टू है, तो मैंने इसके तीन जो हैं सेट्स मंगाए थे, सो या सिक्स का कंप्लीट सेट करने के लिए। सो दिस इज़ अ रियली नाइस प्रोडक्ट, और डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, एंड ऑल्सो फॉर गिफ्टिंग। सो नाउ मूविंग ऑन टू माई फेवरेट प्रोडक्ट, ये एक पास्ता प्लेट, मैगी प्लेट, सूप प्लेट, मीट प्लेट, कुछ भी आप कह लीजिए, ये वो है एंड दिस इज़ सेट ऑफ सिक्स। सो एक्चुअली ये थोड़ा हायर साइड पे है, 1700 की आपको मिलेंगी सिक्स प्लेट्स, बट ये पोर्सिलिन से बनी हुई है, बहुत ही क्लासी लुक है इसका, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड। अगर आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जाते हैं तो ऐसी ही आपको प्लेट्स मिलती हैं पास्ता वगैरह के लिए। सो दिस इज़ मेड अप ऑफ लेड फ्री मटीरियल एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, ओवन में, माइक्रोवेव में, सब जगह पर आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे इसकी जो लुक है, फिनिश है, कितनी अच्छी है, कितनी क्लासी और सोफिस्टिकेटेड है। अगर आप इसको सर्व करेंगे अपने गेस्ट के सामने तो ट्रस्ट मी, एक बार तो आपका गेस्ट ज़रूर पूछेगा कि आप कहाँ से ये लेकर आए हैं। एंड इसका जो अंदर का जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप इसमें सूप वगैरह, मैगी वगैरह भी आराम से यूज़ कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। मेड इन इंडिया ये प्लेट्स हैं एंड इसकी एजेस की वजह से खाना जो है बहुत अच्छे से आ जाता है एंड गिरता नहीं है, जो नॉर्मल प्लेट्स में गिर जाता है अगर आप सर्व करेंगे मैगी वगैरह तो। सो मल्टीपर्पज़ है एंड स्टैकेबल भी है, तो आराम से स्टोरेज के लिए भी आपको कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी।
सो गाइज इतना ही था आज की वीडियो में। कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपका फेवरेट कौन सा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी यूज़ करते हैं ऐसे बर्तन तो मुझे ज़रूर लिख के बताइए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जस्ट गो एंड फॉलो मी ओवर देयर। एंड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वी कैन टॉक वन ऑन वन। और यहाँ पर जो सजेशंस आ रहे हैं वीडियो के, आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। टिल देन यू गाइस टेक केयर।